रूस और यूक्रेन की जंग अब और घातक होती जा रही है। दोनों देशों की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। पुतिन धमकी दे रहे हैं तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस पर हमला कर रहे हैं। कुछ समय पहले तक रूस के सामने यूक्रेन बैकफुट पर था, मगर अब फ्रंट फुट पर आकर यूक्रेन खेल रहा है। यूक्रेन ने पहले तो रूस की जमीन हथिया ली और उसके घर में घुस गया। अब जेलेंस्की की यूक्रेन आर्मी ने पुतिन को गहरा जख्म दिया है। यूक्रेन ने रूस में जबरदस्त हमला किया है। यूक्रेनी आर्मी ने रूस के सारातोव शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग पर ड्रोन से हमला किया है। इस हमले के बाद रूस की ऊंची इमारत पूरी तरह से धुआं धुआं हो गई। बताया गया कि रूस के सारातोव क्षेत्र में दो प्रमुख शहरों में यूक्रेन ने ड्रोन से हमले किए। यूक्रेन के ड्रोन हमले में एक महिला घायल हो गई है और कई घरों को नुकसान पहुंचा है। रूस का कहना है कि उसने वायु रक्षा प्रणालियों को कुछ ड्रोनों को नष्ट कर दिया। रूस का दावा है कि उसके मिसाइल से नष्ट किए गए ड्रोन से गिरे मलबे से सारातोव शहर में एक आवासीय परिसर क्षतिग्रस्त हो गया है। अभी यूक्रेन की इस हरकत पर पुतिन चुप नहीं बैठेंगे। अब उम्मीद की जा रही है कि रूस यूक्रेन के इस हमले का जवाब देगा। बता दें कि कुछ समय पहले ही यूक्रेन ने रूस पर धावा बोला था और उसके एक शहर पर कब्जा कर लिया था। यूक्रेन ने करीब 1000 वर्ग मीटर जमीन पर अपना कब्जा जमा लिया है। आखिर यूक्रेन ने एंगेल्स एयरबेस पर ही हमला क्यों किया? दरअसल रूस का एंगेल्स एयरबेस रणनीतिक तौर पर काफी अहम है। एंगेल्स एयरबेस रूस का बमवर्षक एयरबेस है, जिस पर फरवरी 2022 में मास्को द्वारा पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू करने के बाद से यूक्रेन ने कई बार हमला किया है। यूक्रेन इस एयरबेस पर हमला करके पुतिन की कमर तोड़ना चाह रहा है। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए india.com।